बच्चों आज 27-26 तारीख है। इधर 2 दिन विद्यालय बंद रहा, अवकाश रहा दशहरा के लिए। एक दिन सत्य था, एक दिन अवकाश। आज जो महाकवि भूषण की रचना है उसमें आपकी किताब में जो दिया गया है छत्र साल प्रशस्ति और शिवा सौर्य, तो शिवा सौर्य हो गया छत्र साल प्रशस्ति का एक छंद रह गया, उसी के विषय में आज हम बताएंगे आपको। क्योंकि वीर रस है इसमें वीरता का बखान किया गया है, तो छत्र साल महाराज छत्र साल जी की कवि भूषण ने प्रशंसा की। प्रशंसा में पहले छंद में तो उनकी बर्छी का वर्णन, तलवार का वर्णन, दूसरे छंद में उनकी बर्छी का वर्णन किया। अब उसी में आगे देखें, भुज भुजकेश की वह संगनी भुजंगनी से खेद खेद खाती दीप दारू दलन के बख्तर पाखरल बीच धस जात मीन पैर पार जात परवाह ज्यो जलन। रयराव चंपत के छत्रसाल महाराज भूषण सकय कर बखान को बलन के पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने भी तेरी बर्छी ने छीने हैं, तेरी बर्छी ने पर छीने हैं खलन। खल माने दुष्ट सत। अब भुज भुजगेश की वे संगनी भुजंगनी से महाराज छत्रसाल जी की जो बर्छी है, जिस प्रकार सर्प की सहचरणी यानी सर्प की सर्पिणी नागिन वो अपने पति का साथ देती है, भाई सर्प से ज्यादा उसकी नागिन खराब होती है, छोटे आकार की होती है, बहुत तेज होती है, विषैली होती है ना, बदला लेने की भावना रहती है, तो इस तरह से उसी तरह महाराज छत्रसाल जी की जो बर्छी है वो उनका साथ दे रही है। खेद खेद खाती दी दारू दलन को, जो उनके शत्रु हैं, जो दल बना करके आए हुए हैं, सम्मिलित हैं, उनको दौड़ा दौड़ा करके महाराज छत्रसाल जी अपनी बर्छी के द्वारा उनको मारते हैं, घायल करते हैं या चोट पहुंचाते हैं, वो हताहत होते हैं। वो इस प्रकार काम करती है, बख्तर पाखरन बीच धस जात, जैसे बख्तर पाखरन हाथी घोड़ों के ऊपर एक ऐसा वस्त्र डाला जाता है, इसी की एक प्रकार विधि से हम कहते हैं कवच, आदमी भी पहनते हैं, तो कवच इसलिए है कि हाथियों के और घोड़ों के जो सेना में शामिल है उनके अगर कोई बाण मारे, बर्छी मारे, तलवार मारे, उनके शरीर में कवच रहता है, तो कवच के कारण वो उसमें उनकी रक्षा होती है। एक हिसाब से वो रक्षक वस्तु है। लेकिन महाराज छत्रसाल जी की जो बर्छी है वो बख्तर पाखरल, जो हाथी घोड़ों के ऊपर कवच धारण किए हुए उनके ऊपर प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करके इस तरह निकल आती है, पैर पारिजात जात परवाह जो जल, अथाह जल में जैसे मछली प्रवेश कर जाती है फिर निकल आती है, तो शत्रुओं का संहार करके मारा, इसके बाद वो खत्म हुए निकल करके फिर दूसरे को मारते, ऐसा वो काम करते। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, उनके पंथक रैया राव चंपत, चंपत के पुत्र थे राजा महाराज के, छत्रसाल महाराज भूषण सकयकर बखान को बलन के, महाकवि भूषण कहते हैं, अरे महाराज छत्रसाल जी आपकी भुजाओं में इतनी शक्ति है, आपके पास इतनी ताकत है, इतना बल है, इतना सामर्थ्य है, इतनी पौरुष है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कि आपके बल का बखान
यानी वर्णन कौन कर सकता है संसार में, अर्थात कोई नहीं कर सकता। पक्षी पर छीने परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने है खनन के, जैसे पक्षियों के पर को काट दिया है। कोई पक्षी है पर माने पंख, उसके पंख को काट दिया जाए तो बच्चों ये बताइए क्या पक्षी उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। वो उड़ने फिरने में असमर्थ हो जाए, सवाल ही नहीं कि उड़ जाए। तो उसी प्रकार आपने अपने शत्रुओं को इस प्रकार घायल कर दिया है, जिस प्रकार किसी पक्षी के पर को छीन लिया जाए, उनको काट दिया जाए, तो वो उड़ने में या अपने प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो महाराज छत्रसाल के जो शत्रु हैं, वो इतने सब जगह से, किसी का हाथ खराब हो गए, किसी के पैर खराब, किसी की गर्दन चली गई, किसी के पेट में जख्म, किसी के जांग में, किसी के पीठ में, इस तरह से वो इतना नरसंहार हुआ। उनके जितने दुष्ट थे, उनके राजा थे, भाई शत्रु जो होता है उसको दुष्ट कहा जाता है, खल माने दुष्ट, उनके शत्रु सब नष्ट हो। तो इस छंद में ये बताएंगे बच्चों। अब हम अगले जहां आपको बताएंगे, संस्कृत दिग्दर्शिका से पहला पाठ होगा वंदना, उसे बताया जा चुका है, पूरा हो गया है। अब हम उसका सबका रिवीजन आप करवा रहे हैं, है ना। चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।